कृषि बिल के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को दिल्ली सरकार ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 26-27 नवंबर को होने वाले प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। ऐसे में दिल्ली में कोई भी भीड़ इकट्ठा ना हो, कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है। अगर कोई भी भीड़ इकट्ठा होती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 26-27 नवंबर 2020 को दिल्ली चलो का आह्वान किया गया है। उसके मद्देनजर राज्य में नागरिक और पुलिस प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मकसद प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के किसानों ने करीब 8 हफ्ते से सख्त तेवर अपना रखे हैं। इस अवधि में कई जगह रेलवे ट्रैक पर किसानों के धरने से पंजाब में रेल यातायात पर बुरा असर पड़ा। दिल्ली चलो आंदोलन के लिए किसान इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। ये किसान पंजाब से हरियाणा पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से ये किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इस आंदोलन के चलते दिल्ली अंबाला बॉर्डर पर 10-15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आप खुद देख सकते हैं कैसे इस जाम की वजह से अपनी शादी में ही दूल्हा पहुंच नहीं पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।